बेवकेड़ो वाला सब इंजन। तो आज हम एक रॉयल रंबल करने वाले, वो भी 20 सुपरस्टार्स का। तो इसमें आपके सभी फेवरेट सुपरस्टार्स होने वाले हैं, और वीडियो में एंड तक बने रहना और फटाफट से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ मेरे पास इंट्रो में बताने के लिए है नहीं, क्योंकि 20 सुपरस्टार रॉयल रंबल है, तो आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के रॉयल रंबल में। और आप देख रहे हो ओमनी मैन भी है भाई, सुपरस्टार के साथ साथ एक दो मॉड सुपरस्टार भी है, तो सोच लो कितना मजा आने वाला। तो बीच में फाइट छोड़ के मत जाया करो, एंड तक फाइट देखा करो। मोहम्मद अली सर और रे मिस्टीरियो भाई, सभी का मैंने नंबर रेंडम रखा है, किसी का भी मैंने एक नंबर पे चुना ही नहीं था, तो सभी रेंडम आने वाले। मुझे को भी नहीं पता है कि कौन सा सुपरस्टार कब आने वाला है, और मोहम्मद अली सर इतनी जल्दी जाने की जल्दी में नहीं है। रे मिस्टीरियो को फिनिशर बचा लिया रे मिस्टीरियो ने, क्या बात है मिस्टीरियो, गजब यार। डोमिनिक को पता नहीं मैंने लिया है नहीं लिया, आई थिंक लिया या नहीं लिया, मुझे ध्यान नहीं। 30 सेकंड्स में एक सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है, और ट्रिपल एच द सीईओ ऑफ WWE भाई, ट्रिपल एच की एंट्री हो चुकी है। पहले रे मिस्टीरियो बताऊँ आज में आएंगे ट्रिपल एच। मिस्टीरियो के पास एक फिनिशर है, दूसरा जल्दी आने वाला है, और मोहम्मद अली सर का फिनिशर भाई छीन ही लिया था मिस्टीरियो ने। अरे मोहम्मद अली सर भाई स्टंट करके दिखा रहे, क्या बात है, जबरदस्त यार। मतलब एक लेजेंड को ऐसा करते हुए देखना हम लोगों के लिए कितने प्राउड मूवमेंट है, कि एक लेजेंड को हम गेम के थ्रू ऐसा करते हुए देख पा रहे। नहीं तो हमें से कितने जने होंगे जो मोहम्मद अली सर को हम लोगों ने रियल में तो क्या गेम, मतलब उनकी कोई फाइट वगैरह भी नहीं देखी, क्योंकि बहुत पहले फाइट करते थे, लेकिन एक गेम में जब एक कैरेक्टर दिया है तो हमें ये देखने को मिल जाए, तो हमें टुके वालों को थैंक्स बोलना चाहिए कि इतना अच्छा। और फिनिशर फायर वाला ही वाला भाई ब्रे वाइट आ चुका, और आते ही आते फिनिशर रे मिस्टीरियो को। अब तक एक भी एलिमिनेशन फाइट में हुआ नहीं है, फाइट में ज़बरदस्त मज़ा आने वाला ये तो बात पाकि है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जिस फाइट में हो और मज़ा ना आया तो ऐसे कैसे हो सकता है। ये कौन सुपरस्टार कौन आने वाला, सारे सुपरस्टार रैंडम आएंगे। रोमन सीना, ब्रॉक, हल्क होगन, रॉक और कोडी रोड्स एक्सल वाले। कोडी रोड्स एक्सल वाले के पास मुझे लग रहा है स्पीयर है फिनिशर में, ये व्हाट इफ की वीडियो का कमाल है। तो ये गड़बड़ मेरे चैनल पे होती रहती है, और इन्हीं गड़बड़ों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। अरे आते ही आते एलिमिनेट, व्हाट द हेल, अरे एक घुसंडे तो मार लेने देते, एक चनकट विनकट मार लेता कोडी रोड्स, उसके बाद एलिमिनेट करते यार ट्रिपल एच। कोडी क्या कर रहे हो, आते ही आते एलिमिनेशन, गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है यार ये। और कोडी का यार मुझे बुरा लग रहा है, और भाई साहब कौन आ गया ये ओमनी, इतनी जल्दी एंट्री, आते ही आते फिनिशर मोहम्मद अली सर, क्या बात है, जबरदस्त यार। रे मिस्टीरियो भी भाई एलिमिनेट हो चुके हैं, और भाई साहब आते ही आते ने ओमनी बैट को तोड़ना चालू किया मोहम्मद अली सर ने। मोहम्मद अली सर कुछ ज्यादा ही फॉर्म में दिख रहे हैं आज भाई, एक फिनिशर लगा दिया ओमनी बैन को लगा दिया, मतलब बहुत समझ लो। और DDT भी लग चुकी भाई, आज ओमनी बैन का लग रहा पिटने का ही दिन है, आज ओमनी बैन भाई रेस्ट करेगा मुझे लग रहा है जल्दी। JD McDonough ये ओमनी बैन जैसा कोई फिनिशर लग रहे, JD McDonough क्या ही कर पाएगा भाई। और ओमनी मैं जरूर किसी बड़े सुपरस्टार को पकड़ने वाला, और ये क्या कर रहा है ये, और भाई साहब JD McDonough ने भी फिनिशर लगा दिया ओमनी मैन का। ओमनी मैन JD McDonough से बाहर मत हो जाना प्लीज, स्टंट है ओमनी मैन, कोई बाहर करने का कोशिश करेगा तो हो सकता है। और लग रहा है एलिमिनेट नहीं हुआ, नहीं हुआ, ब्रे वाइट नहीं हुआ, और भाई ये क्या हो गया ओमनी मैन आते आते एलिमिनेट, ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओमनी मैन इतना बुरा बाहर होगा भाई, JD McDonough ने फिनिशर लगा दिया, क्या हो रहा फाइट में, JD McDonough ने फिनिशर लगा दिया और भाई मोहम्मद अली सर ने बाहर कर दिया, और रोमन की एंट्री आखिरकार हो चुकी है। रोमन फाइट का विनर बने तो मजा आ जाए मुझे, मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ, बाकी मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला फाइट में भाई, जो होगा सब कुछ रेंडम होगा, क्योंकि ये एक AI फाइट है, जो होगा सब रेंडम होगा। इसके अलावा भाई आपने को पता नहीं AJ Styles आ चुका फाइट में, AJ Styles अच्छा सुपरस्टार है, कुछ कर्राई करने वाला है। मैं इनकी इतनी बुरी हालत तो शायद से पहली बार ही देखी है मैंने, और AJ Styles भाई अभी नया नया सुपरस्टार है, और ओमनी मैन मुंह फुला के जाता हो भाई कि मेरे संग इतना गंदा बिहेव किया है तुम लोगों ने। एक फिनिशर मोहम्मद अली सर ने,
रोमन बच गया मोहम्मद अली सर, मुझे लग रहा है एक और लेजेंड को नीचे भेजने वाले थे और एक को तो भेज ही चुके हैं। मोहम्मद अली सर कमाल की बात है, आते ही आते उंगलीमैन को फिनिशर लगाया और ट्रिपल एच ने पेडिग्री लगा दिया अली सर को। नेक्स्ट सुपरस्टार कौन आने वाला भाई? बटिस्टा बॉम्ब लगने की बारिश होने वाली है, बटिस्टा बॉम्ब आने वाले हैं फटाफट से रिंग में और बटिस्टा कमाल करने वाले। कौन के ब्रे वाइट एलिमिनेट, ठीक है भाई साहब, बैक टू बैक एलिमिनेशन होते ही चले जा रहे हैं, वो ज़रूरी भी है क्योंकि रिंग में 8 जनों से ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं सुपरस्टार। और जेडी मैकडाना भी बाहर, ये होना ही था, 4 लेजेंड अब रिंग में है, बटिस्टा, रोमन रेंस, ट्रिपल एच और एजे स्टाइल्स ने फिनिशर लगाया ट्रिपल एच को भाई बैक टू बैक। अच्छा मैंने एक ही एक फिनिशर दिया सभी सुपरस्टार को क्योंकि मुझे लगा था कि दो दूंगा ना तो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी क्योंकि दो फिनिशर लगने के बाद सुपरस्टार एलिमिनेट हो ही जाता है। ओके जॉन सीना द लेजेंड, हियर कम्स जॉन सीना। ओके एजे और रोमन भिड़े हो भाई, आते ही आते सीना को फिनिशर, सीना रिवर्स करो, ठीक है बटिस्टा बॉम्ब आते ही आते सीना के ऊपर लग गया। सीना क्या कर रहे हो, सीना अगर रॉयल रंबल ले जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं, दिल मजा ही आ जाना भाई। और ट्रिपल एच ना ना ना, ना ट्रिपल एच इतनी जल्दी जाने वालों में से नहीं है भाई, ट्रिपल एच ने रिवर्स कर दिया। बटिस्टा सोच रहे थे कि ट्रिपल एच को वापसी भेजने की, एलिमिनेट करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और फिनिशर लगा के अगर भेजेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं ट्रिपल एच नहीं जाएंगे अभी क्योंकि फिनिशर लगा के अगर ट्राई, अरे आप जा सकते हैं, दो दो जने मिल के बाहर कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन द वाइपर, वाइपर आ चुका है तो गजब होने वाला भाई साहब, रॉयल रंबल में मजा तो आता है, ये बात तो आते ही आते आरकीओ आउट ऑफ नोवेयर, बटिस्टा बाहर जाएंगे क्या ना, अरे गए बटिस्टा एलिमिनेट भाई, द एनिमल बटिस्टा बहुत जल्दी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब फिनिशर किस किस के पास है, ट्रिपल एच के पास है, एजे के पास है, सीना के पास है और रोवन के पास है, तो रैंडी ऑर्टन को छोड़ के बाकी सभी के पास फिनिशर है क्योंकि ऑर्टन ने आते आते आरक्यू लगा दिया। और थोड़ा सा भी समय, हल्क होगन, ये आदमी बहुत जल्दी एलिमिनेट होना चाहिए भाई, मतलब 2-3 रॉयल रंबल तो मेरे चैनल पर यही जीता हुआ अकेला आदमी हल्क होगन, तो इसका जाना बहुत ज़रूरी है भाई, इसको नहीं जिताना है, कोई और सुपरस्टार भी जीते यही जीतते रहेंगे क्या हल्क होगन भैया, माना नाम हल्क है तो क्या सबको पीटते ही रहोगे भाई। और हल्क होगन आते आते ट्रिपल एच पे भारी पड़ रहा है, आरक्यू लगेगा नहीं क्योंकि ऑटन के पास कोई फिनिशर नहीं, आरक्यू फिनिशर देखने में बहुत मज़ा आता है, ये मत कहना कि तुम रैंडी ऑर्टन को बाहर करने जा रहे हो भाई, ऑर्टन बाहर हो। आते ही आते लोगन पॉल की एंट्री हो चुकी है, एक और फिनिशर नहीं सीना प्लीज, सीना रिवर्स करो, सीना प्लीज, सीना एलिमिनेट नहीं होना है, बच गए सीना बच गए, अरे ये प्रिंट पे आ चुके हैं। अब हल्क ट्रिपल एच ने लगा दी पेडिग्री रोमन को, रोमन ने रिवर्स कर दिया, रोमन यही उम्मीद थी मुझे। अच्छा रॉयल रंबल में रोमन का फिनिशर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस मिलता नहीं है और थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, रोमन को थोड़ा सा दौड़ के आना पड़ता है फिनिशर लगाने की, इसलिए दिक्कत है। ब्रॉक लेसनर, हेयर कम्स द पेन, बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो चुकी है, ब्रॉक के पास एक फिनिशर है, सीना के ऊपर आते आते हर कोई जोर आजमाता, क्या चक्कर है, सीना फिनिशर है क्या तुम्हारे पास, सीना के पास फिनिशर है, एक फिनिशर है, सीना फिनिशर विनिशर लगाओ भाई, क्या कर रहे हो, एक आध एलिमिनेशन फिनिशर से कर दो, इतनी जल्दी ब्रॉक अभी तो आया है भाई, मतलब क्या कर रहे हो सीना, अभी तो आया है। और हल्क होगन बाहर चले जाओ भाई, गया 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 हल्क होगन बाहर गया, बहुत जरूरी था। और मुझे लगा भाई ट्रिपल एच की भी टाटा बाय बाय होने वाला, लेकिन एजे स्टाइल्स रिंग में ही अपना मूव लगा दिया, लोगन पॉल जल्दी ही निकल जाएगा मुझे उम्मीद है, लेकिन कभी कभी ना, अरे भाई एजे ने फांस लिया लोगन पॉल को, बनी एलए नाइट, ये एलए नाइट भाई, सारे नए नए सुपरस्टार अब रिंग में आ चुके हैं, कोई भी पुराना नहीं है एक ट्रिपल एच को छोड़ के, बाकी सब अपने लौंडे हैं अभी भी। और एलए नाइट ने आते आते फिनिशर लगा दिया एजे स्टाइल्स को, स्टाइल्स काफ़ी देर से रुका हुआ है, ट्रिपल एच एक्चुअली काफ़ी देर से रुका हुआ है, और फिनिशर F10 लगा भाई, सीना प्लीज, सीना रिंग में आ जाओ, सीना क्या कर रहा है, एलिमिनेट मत हो जाना, सीना एलिमिनेट हो गया, एलिनेट तो जो कीड़े पड़ेंगे हरामपोर,
तूने सीना जॉन सीना को बाहर किया, तुझे कीड़े पड़ेंगे। ट्रिपल एच पहले इसको भाई एले नाइट को बाहर करो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आथू मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा भाई ये। और ट्रिपल एच जल्दी कुछ ना कुछ कांड करने वाला मुझे लग रहा है। और एजे साइंस का टाटा बाय बाय, बैक टू बैक जल्दी जल्दी एलिमिनेशन होते जा रहे हैं फाइट में। ट्रिपल एच यार ले ना जाए फाइट भाई, काफ़ी देर से रुका हुआ है। अब कोई बचा? अब भी सुपरस्टार एक आध आने को बचा, अब कौन आने वाला है? ट्रिपल एच गए भाई भाई भाई, लोगन पॉल, रोमन रेस, एली नाइट, ब्रॉक लेसनर, चार सुपरस्टार बचे। जॉनी गार्गेनो, अबे ये पगला भी देगा? जॉनी जॉनी यस पापा, इसका मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, ये मुझे लग रहा मैं चेंज करना भूल गया था इसको। ये जॉनी जॉनी यस पापा कुछ नहीं कर पाएगा, ये ईटिंग शुगर लो पापा कर पाएगा केवल। और एली नाइट भाई लोगन पॉल को बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एली नाइट लोगन पॉल को ऑलरेडी एक युद्ध तो छिड़ा हुआ WWE रियल में भी भाई, और चैंपियनशिप के लिए फाइट होने वाली है अपकमिंग पेपर व्यू समर स्लैम में। अरे बच गया ब्रॉक, बच गया भाई, ब्रॉक का टाटा बाबा हो जाता। ब्रॉक चालाक सुपरस्टार है, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और रोमन को बाहर करने, रोमन के पास रेजिलेंस है तो रोमन अभी तो जाने वाला नहीं है, रेजिलेंस यूज कर लिए रोमन ने। शॉन माइकल्स HBK की हार्ट ब्रेक किट, ओके भाई तगड़े तगड़े सुपरस्टार, अभी दो सुपरस्टार और बच्चे आते ही आते। शॉन माइकल को एक फिनिशर लगा। एली नाइट कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है भाई, एली नाइट को कोई बाहर करो, इसने सीना को बाहर किया, इसी कीड़े पड़ेंगे, मैं लेट सही बता रहा हूँ, मैं मोटे मोटे लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे इसे। तो सीना को बाहर करने वाले से मुझे बहुत चिड़ आती है भाई, सीना अपना फेवरेट है। और रोमन अभी तक फाइट में टिका हुआ, ये गेम में ही पता नहीं सीना को इतना वीक क्यों बनाया। लोगन पॉल बाहर, लोगन पॉल जितना ये यूट्यूबर बनता है बाहर हो चुका है भाई। गुंथर आ चुका है द रिंग जनरल भाई, अब लग रहा है कोई तगड़ा सुपरस्टार बचा नहीं है। अब ये हल्के हल्के सुपरस्टार बचे, सारे तगड़े तगड़े सुपरस्टार आ चुके हैं रिंग में। तो गेस करो भाई, कमेंट करो कौन ले जाने वाला तुम्हारे हिसाब से। चलो आखिरी सुपरस्टार और देख लेते, उसके बाद कमेंट करना, अभी मत करो ठीक है ना। आखिरी सुपरस्टार देख लेते कौन आने वाला, उसके बाद कमेंट करेंगे कौन जीतेगा, अपना अपना प्रेडिक्शन दे दो। मेरे हिसाब से भाई रोमन ले जा सकता है या ब्रॉक लेसनर, चलो दो सुपरस्टार का प्रेडिक्शन दे सकते हो। रोमन का मेरा तो यार देखो, रोमन और ब्रॉक और द रॉक आ चुके हैं, रॉक नहीं मुझे लग रहा है नहीं ले जा पाएंगे, मुझे यार रोमन और ब्रॉक में से एक लग रहा है, या तो लेसनर या तो रेंस, कोई एक ले जाने वाला है इन दोनों में से। और आते आते रॉक लग रहा है, एली नाइट को बाहर करो भाई, एली नाइट का बाहर जाना बहुत जरूरी। जी आराम कर, बाहर गया, लाइक इट रॉक भैया, क्या बात है जबरदस्त। अरे रोमन को बच गया, स्पीयर लगने वाली थी। जॉनी गार्गेनो भाई कोई हल्का सुपरस्टार ना ले जाए, जैसे जॉनी गार्गेनो या गुंथर, मुश्किल है लोगों को ले जाना। अरे रोमन स्टंट ही खड़े रहोगे, अंदर भी आ जाओ यार, मतलब कोई अगर स्पीयर लगा दे किसी ने तो कहानी खत्म हो जाएगी। अरे जॉनी गार्गेनो लगातार बढ़िया बढ़िया मूव लगा पड़ा रोमन वापसी रिंग में। रोमन के पास एक फिनिशर है, और रॉक और रोमन आमने सामने आ चुके हैं। हाई चीफ और ट्राइबल चीफ, ये गजब फाइट होगी भाई हाई चीफ और ट्राइबल चीफ के बीच में। और हो ना हो फ्यूचर में हम लोगों को ट्राइबल चीफ वर्सेस हाई चीफ की फाइट एक दिन ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि सोलो ये जो गेम खेल रहा है ना WWE में, ये हो ना हो हाई चीफ के दम पे खेला। और गुंथर द रिंग जनरल बाहर, हाई साहब रोमन एलिमिनेशन करते हुए बैक टू बैक। अरे इतने हल्के आयरिश विप से शॉन माइकल एलिमिनेट हो गए भाई, क्या कर रहे हो माइकल, इतना मत ले जाओ यार, मतलब ठीक है ब्रॉक अच्छा सुपरस्टार है इतना मत। अरे रोमन गया, रोमन गया मुझे लग रहा है, क्योंकि रेजिलेंस ऑलरेडी जा चुकी है, अगर किसी ने हाथ लगा दिया रोमन गया भाई साहब रोमन। अब मेरा जो प्रेडिक्शन है ब्रॉक का, आप लोगों ने अपना अपना प्रेडिक्शन कर ही दिया होगा अब तक। और जॉनी गार्गेनो ना ले जा भाई, जॉनी जॉनी यस पापा हो जाएगा कसम से भाई, क्योंकि जॉनी गार्गेनो सबसे कम पिटा है, दो फिनिशर भी है इसके पास। और उड़ती हुई क्लोज लाइन, उड़ती हुई आई क्लोज लाइन भाई, मुझे लग रहा है अगर रॉक बाहर होगा तो पक्का ब्रॉक ले जाने वाला। जॉनी गार्गेनो हाथ लगा, अरे भाई साहब रॉक गया, रॉक गया मुझे लग रहा है, उम्मीद कम लग रही है मुझे, क्योंकि हाँ क्योंकि यार कम पिटा था ना रॉक, पिटा नहीं था। और फाइनली भाई रिवर्स कर दिया रॉक, नहीं जाना था रॉक को, रॉक भी ले जा सकता है क्योंकि रॉक सबसे कम पिटा हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार भी है रॉक, तो हाई चीफ की उम्मीदें लग रही हैं। पर देखो मेरा प्रेडिक्शन अब भी ब्रॉक है भाई। जॉनी गार्गेनो, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा,
रॉक ले जाएगा, रॉक बॉटम लगा के शार्प शूटर लगाया, रॉक बॉटम लगाते रॉक तो ज्यादा बढ़े, ये सिग्नेचर वाला है क्या? हाँ सिग्नेचर वाला, और एक फिनिशर ओवर आ चुका, ब्रॉक ने अपनी रेजिलेंस यूज कर ली, क्यों भाई? इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब कोई पिनफॉल नहीं था, कोई सबमिशन नहीं था, तू रेजिलेंस यूज कर ली, रॉक ने ये एक और फिनिशर लगा दिया, आप गए ब्रॉक, ब्रॉक गया, रॉक ही ले जाने वाला फाइट, ये वो ना हो रॉक ले जाने वाला, ब्रॉक गए, अरे भाई रिवर्स कर दिया, क्या बात है, ब्रॉक लेसनर के पास अभी एक फिनिशर आ चुका और दूसरा भी आने वाला है, अगर फिनिशर फिनिशर से अगर एलिमिनेट करते हैं ब्रॉक तो रॉक एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि रेजिलेंस का मीटर है नहीं और कोई चांस नहीं है बचने का, क्योंकि बॉडी लाल, बॉडी येलो, हेड येलो हो चुका है। ब्रॉक फटाफट से फिनिशर से बाहर कर दो, मेरी प्रेडिक्शन भी सही होने वाली मुझे लग रहा, और ब्रॉक पेन तो सही रहा भाई, ब्रॉक बैक टू बैक फिनिशर लगा, दो फिनिशर है, एक फिनिशर और लगा के स्टंट करो, दूसरा फिनिशर लगा के बाहर, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही है, और रॉक ने क्लोज लाइन लगा दी, रॉक के पास एक फिनिशर आने वाला है लेकिन अभी तक आया नहीं है, और आ गया, ऑलमोस्ट समझ लो आ ही गया, एक प्लस पॉइंट है रॉक के पास कि भाई रॉक पिटा कम है, ब्रॉक पिटे ज्यादा है, ब्रॉक की रेजिलेंस भी जा चुकी है, लग रहा आप गए गए भाई गए फिनिशर से, अगर गया 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 रॉक गया गया भाई गया फिनिशर से, एलिमिनेट कर दिया रॉक, भैया विनर बने हैं, यही उम्मीद थी भाई, 20वें जो सबसे लास्ट नंबर पे आता है ना उसकी उम्मीद जाता है, और अगर वो एक स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार हो तो उसकी उम्मीदें और ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि यार वो सबसे कम पिटा होता है, उसके बाद फिनिशर्स का स्टॉप होता है। तो वीडियो में मजा आया तो मेरे भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।